और चलिए अब आपको अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बताते हैं, जहां पर जबरदस्त तरीके से हंगामा बरपा, लेकिन इसी बीच फायरिंग में एक शख्स की मौत की खबर भी सामने आ रही है। पूरी खबर क्या है इसे एक मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जमकर बवाल हुआ। सड़क पर गिरी ईंटें, पोल और पुलिस की मौजूदगी इसकी गवाही दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तीन युवक बाइक से जा रहे थे, तभी उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। फायरिंग में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक ने खुद को बचाने के लिए गंग नहर में छलांग लगा दी, जो अभी भी लापता है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों युवक एक बाग की रखवाली का काम करते थे। सिंचाई को लेकर दो पक्षों में बवाल हुआ और फिर गोलीबारी हुई। बम्बे के पानी के बंटवारे को लेकर के कुछ कहा सुनी गाली गलौज हुई थी, जिसका तत्समय ही जो बाग के मालिक हैं किंदौड़ा के रहने वाले, उनके द्वारा इनको समझा बुझा करके भेज दिया गया था। और जब रात्रि में ये करीब 10 बजे के आसपास के तीनों लोग एक बाइक से इधर आ रहे थे, तब उसके पश्चात इनके ऊपर गोलियां चली हैं। पुलिस ने पूरे मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां ये बताया जा रहा है कि एक प्लॉट को लेकर के खूब हंगामा हुआ और इसके बाद कैसे पूरा का पूरा मामला आगजनी तक पहुंच गया, तोड़फोड़ हुई, क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। यूपी के बरेली में सुबह सुबह बवाल हो गया। गोलीबारी और आगजनी ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। 20 सड़क पर काफी देर तक फायरिंग, तोड़फोड़ और आगजनी होती रही। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कई बदमाश तोड़फोड़ और फायरिंग करते नजर आ रही हैं। घटना पीलीभीत बाईपास रोड के बजरंग ढाबे के पास का है। पूरा मामला जमीन पर जबरन कब्जे से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बिल्डर राजीव राणा के 100 से 150 गुंडे सुबह सुबह प्लॉट पर कब्जा करने पहुँचे थे। इस दौरान बदमाशों ने खौफ फैलाने के लिए प्लॉट में खड़ी दो जेसीबी मशीनों में आग लगा दी, जमकर तोड़फोड़ की, कई राउंड फायरिंग भी की, जिसमें एक शख्स घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। घटना के बाद से इलाके के लोग दहशत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको अगली खबर जोधपुर से बताते हैं, जहां पर दो पक्षों में जबरदस्त तरीके से भिड़ंत हुई, पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया था। लेकिन लगातार पुलिस वहां पर गश्त कर रही है, ड्रोन से इलाके की निगरानी कर रही है, फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजस्थान के जोधपुर में दो पक्षों में तीखी झड़प हो गई। सूरसागर थाना इलाके में दुकान से गेट निकालने की बात पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बहस ने हिंसक रूप इख्तियार करते देरी नहीं की, देखते ही देखते दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। कुछ लोग घरों की छत पर चढ़कर पथराव करने लगे। हंगामा बढ़ता देख सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस पर भी उपद्रवियों ने पथराव किया और दुकान में आग लगा दी, जिसकी जद में वहां पर खड़ा एक ट्रैक्टर भी आ गया। तोड़फोड़ के बीच पुलिस ने मोर्चा संभाला, दंगाइयों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े और दोनों पक्षों को खदेड़ डाला। हंगामा ना बढ़े इसके लिए इलाके की बिजली काट दी गई। उपद्रवी की पहचान कर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह और DCP आलोक श्रीवास्तव मौके पर मौजूद है। पुलिस के मुताबिक स्थिति शांतिपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।